फर्ज कीजिए आप किसी के साथ बैठे हैं, उनसे बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं और अचानक आपके शरीर में खुजली एक सनसनी की तरह फैलती है और आप उसे चुपके से खुजा लेते हैं। वजह यह है कि अगर सामने वाले ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा, लेकिन फिर जिससे डरते थे वही बात हो जाती है। क्योंकि ये जो खुजली है ना, ये एक बार अगर आपने खुजा दी तो फिर ये आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। आप न चाहते हुए भी बार बार खुजाते हैं और सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ जाती है। लेकिन ये कमबख्त खुजली हाथ पांव धोकर हमारे आखिर पीछे पड़ क्यों जाती है और इससे बचने के क्या उपाय हैं, ये सब आज हम आपको इस वीडियो में डॉक्टर के जरिए बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको आगे से किसी के भी सामने ऐसी शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। दरअसल इस बेदर्द खुजली के कई रूप हैं। इन दिनों गर्मियों के सीजन में मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन के रूप में ये हमें दर्शन देती है। आज हम डॉक्टर अविनाश अगोर से जानेंगे कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। मैं डॉक्टर अविनाश अगोर हूँ, त्वचा रोग विशेषज्ञ एवं लेजर सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर बहुत आया है, तो ज़्यादा टेम्परेचर होने से पसीना बहुत आता है और पसीने की वजह से जो होने वाली इन्फेक्शन है, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें पस वाली फुंसी आती है, खुजली वाली फुंसी आती है और फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन है। फंगल इन्फेक्शन में तो जिसको लोकल लैंग्वेज में दाग कहते हैं, सर्कल जैसे रैशेस बॉडी में आते हैं, पर्टिकुलरली जांघों में, गुप्तांगों के आसपास, फिर वो धीरे धीरे पूरे बदन पे आने लगते हैं, चेहरे तक आ जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पस वाले दाने आते हैं, वो भी शरीर के किसी भी हिस्से में आ सकते हैं। शुरुआत में तो दाने छोटे होते हैं, लेकिन उनकी जैसे जैसे इन्फेक्शन की तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे वो दाने की साइज भी बढ़ती है और वो ज़्यादा बॉडी के एरिया में आता है। सबसे पहले तो उसके लिए अपनी जो पर्सनल हाइजीन है, साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। डेली नहाना चाहिए, प्रॉपरली साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, डेली अपने कपड़े बदलने चाहिए, अंतर्वस्त्र साफ होने चाहिए और कभी भी जैसे भी हम बहुत ज़्यादा पसीना आता है जिन लोगों को, उनको तो ऐसे मौसम में कम से कम दो बार नहाना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें किए तो इसकी संभावनाएँ कम होती हैं। डाइट में तो बैलेंस डाइट होना चाहिए, आपके वेट के अनुसार, आपका वेट आपके हाइट के अनुसार होना चाहिए और उस वेट के अनुसार आपका डाइट होना चाहिए। अगर आप ओबेज हो तो ऐसी चीज़ें जिससे वेट बढ़ता है, फास्ट फूड, वो टालें। पर्टिकुलर दांत के बारे में मित्र, कि दांत होने पे साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। किसी भी स्किन डिसीज में साबुन बंद नहीं करना चाहिए, साबुन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कि गांव में बहुत कॉमन है कि कोई भी स्किन डिसीज हो गया तो पहले वो साबुन से नहाना ही बंद करते हैं। क्योंकि यहाँ हवा में काफ़ी हद तक पोल्यूटेंट है, एलर्जन भी है, तो ये ज़्यादा दिखते हैं यहाँ एज़ कम्पेयर टू आगरा। मैं आगरा में भी बैठता हूँ, ये फ्यूज आवाज में एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस के पेशेंट ज़्यादा है। उसमें क्या होता है कि पहले चेहरे पे इन्वॉल्वमेंट होती है, चेहरा काला पड़ता है, चेहरे पे दाने आते हैं, खूब खुजली होती है और धीरे धीरे फिर बाकी शरीर के स्किन उसी तरह होने लगती है और उसमें इम्प्रूवमेंट तो होता है लेकिन क्योर नहीं होता। क्योंकि पेशेंट जैसे घर के बाहर जाता है, ये एयरबॉर्न होता है, एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस होता है, तो ये हवा में जो पोल्यूटेंट है, एलर्जन है, उससे फिर कांटेक्ट में आता है, इसलिए ये लाइफ लॉन्ग बीमारी जैसे हो जाती है। तो जब भी घर से बाहर जाते हैं और फिर वापस घर में आते हैं, पहला काम करें नहाएं। उससे क्या होता है, जो हवा का एलर्जन आपके स्किन पे है, स्किन 2 मीटर होती कम से कम, तो उससे एलर्जन नहाने से 90% एलर्जन चला जाता है। तो जो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस होता है उसकी तीव्रता काफ़ी कम होती है। एटलीस्ट आप गर्मी के मौसम में कर तो सकते हो, सर्दी के टाइम ऐसा हर टाइम नहाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इस मौसम में ही कर सकते हैं। उम्मीद है आपको डॉक्टर के द्वारा बताई गई टिप्स समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ,
आपकी क्या राय है और आप किस तरह की खुजली से परेशान है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे आने वाला निरोगी भव का एपिसोड आप किस बीमारी पर देखना चाहते हैं, हमें यह भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आने वाले वीडियोस आपकी पसंद के अनुसार बना सकें। तो इस सीजन में होने वाली बैक्टीरियल इंफेक्शन को बढ़ने से रोकिए, ताकि ये आपके जरिए दूसरे लोगों में न फैल सके। लेकिन हाँ, इस वीडियो को दूसरे लोगों तक जरूर फैलाइए, ताकि हम और आप मिलकर इस खुजली और इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकें। शुक्रिया।